सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसका इस्तेमाल जो है एज अ मिलिट्री एक्सप्लोजिव किया जाता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पिक्रिक एसिड, जो कि काफ़ी ख़तरनाक होता है अगर इसका अच्छे से ख्याल ना रखा गया तो। सही बात है, मतलब आदमी का भी ख्याल नहीं रखोगे तो अभी ख़तरनाक हो जाएगा। ये तो केमिकल कंपाउंड है, काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पहले से ही होता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे जो है आप बना सकते हो पिक्रिक एसिड काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में और काफ़ी प्योर फॉर्म में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है इनऑर्गेनिक कैटेगरी में। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक कॉनिकल फ्लास्क लेने से 250 मिलीलीटर का, और दोस्तों इसके अंदर हम डाल देते हैं एक छोटा सा 1 इंच का मैग्नेटिक बीट यानी मैग्नेटिक स्टील बार डाल देते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर हम डालने वाले हैं 8 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड 98% सल्फ्यूरिक एसिड। दोस्तों यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो हम पहले इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमको सल्फोनेशन स्टेप जो है वो पहले करना है। आप सल्फोनेशन में होता क्या कि सल्फ्यूरिक एसिड जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर SO3 ग्रुप ऐड कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे मेरे पास है फिनॉल के क्रिस्टल्स, देख सकते हो वाइट कलर के होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं क्रिस्टल को जो है इनके अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं 4 ग्राम फिनॉल के क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो लिक्विड फॉर्म वाला फिनॉल भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपने उसे सिंथेसाइज करके रखा हुआ है। हाल ही में दोस्तों मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है आप फिनॉल बना सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो कि हम फ्लास्क के अंदर जो हमारा फिनॉल है वो कलर हो चुका है, क्योंकि फिनॉल जो है रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से और बना रहा है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थोड़े से अमाउंट में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलिए दोस्तों, मैं सिंपली करता क्या हूँ, इस रिएक्शन मिक्सचर को जो है एक वाटर बाथ में हीट करता हूँ, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी रिएक्शन जो है पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने अपने रिएक्शन फ्लास्क को जो है एक वाटर बाथ में ट्रांसफर कर लिया है। अब सिंपली दोस्तों हम पानी को हीट करेंगे जिससे हमारा जो फ्लास्क है वो गर्म होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना कि आप टेम्परेचर जो है 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखो, क्योंकि इसी टेम्परेचर के बीच में हमारा मेन प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, और लो टेम्परेचर पर करीब 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। चलिए दोस्तों, मैं इसे हीट करता हूँ 1/2 घंटे के लिए। उसके बाद दोस्तों हम इस रिएक्शन मिक्सचर को ट्रांसफर कर देंगे एक आइस बाथ में। उसके बाद दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन प्रोसेस के लिए, ताकि हमारा जो पिक्रिक एसिड है वो बनना स्टार्ट हो जाए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपने रिएक्शन मिक्सचर को जो है ट्रांसफर कर लिया एक आइस बाथ में, और दोस्तों इसके ऊपर हमने एक सेट कर दिया एक सेपरेटरी फनल जिसको हम यूज़ करेंगे एज अ ड्रॉपिंग फनल, क्योंकि मेरे पास ड्रॉपिंग फनल है नहीं। अब दोस्तों इस फनल के अंदर हम डाल दे रहे हैं 32 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन प्रोसेस के लिए। दोस्तों ध्यान रखना कि नाइट्रेशन के समय जब आप नाइट्रिक एसिड मिलाओ इस मिक्सचर में तो आपका टेम्परेचर जो है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मैग्नेटिक स्टीर बार नहीं है तो आप इस सोल्यूशन को मैन्युअली जो है स्टीर करते रहना ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्योंकि स्टीर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और हाँ, अगर आप नहीं कर सकते हो तो ड्रॉप बाय ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डालना, जैसा कि मैं इस समय फनल से डाल रहा हूँ, आप छोटे छोटे बैचेस से डालना। तो चलिए दोस्तों, हम सिंपली करते हैं कि हाँ पूरा नाइट्रेशन प्रोसेस हो जाने देते हैं, और होगा क्योंकि जैसे जैसे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा हमारे इस मिक्सचर से ब्राउन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स देखने को मिलेंगे। वैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, मुझे नीचे अपीयरेंस दिख रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और अब आप देख सकते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रही है। इसी वजह से दोस्तों आपको इस रिएक्शन को जो है किसी वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही करना है, क्योंकि अगर घर के अंदर करोगे यार तो काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। और ये कोई आम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है कॉपर और नाइट्रिक एसिड वाली, ये जो है ना इसके अंदर काफ़ी मतलब पोटेंशियल मतलब इसके अंदर मतलब फील आता है कि भाई ये खतरनाक वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये आम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, ये खतरनाक वाली वो फील आता है अगर तुम करोगे ना तो इसको तुम महसूस कर पाओगे अगर केमिकल्स के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा है तो। सो दोस्तों हम पूरा नाइट्रिक एसिड जो इसके अंदर ऐड हो जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ हम क्या करने वाले हैं। हम दोस्तों सिंपली से एक वाटर बाथ में डाल के हीट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ ताकि हमारा टेम्परेचर जो है थोड़ा सा लो हो पाए, क्योंकि ये फ्रीजिंग मिक्सचर बनाता है नमक और कॉमन सॉल्ट। सो गाइस, यहाँ पे हमारा नाइट्रिक एसिड का जो एडिशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों हम इस फ्लास्क जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक वाटर बाथ में, ये इंश्योर करने के लिए कि पूरे के पूरी नाइट्रेशन प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो जाए। दोस्तों यहाँ पे हमने अपने फ्लास्क जो है एक वाटर बाथ में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब दोस्तों हम सिंपली से हीट करेंगे 1/2 घंटे के लिए, तब तक जब तक इसके अंदर से पूरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है निकल ना जाए। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलना बंद हो जाएगी दोस्तों हम इसे दोबारा से ठंडा करेंगे। ये काफ़ी ठंडा करना, गर्म करना, ठंडा करना, गर्म करना काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। सो गाइस, करीब 1/2 घंटे की हीटिंग के बाद यहाँ पे आप देख सकते होगे कि हमारा जो पिक्रिक एसिड का फ्लास्क था उसके अंदर से कोई भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्यूम्स नहीं निकल रही हैं। चलिए दोस्तों सिंपली करते क्या है, इसे जो है हम डिसमेंटल कर लेते हैं इस सेटअप से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा पिक्रिक एसिड जो है नीचे इस फ्लास्क के परसिपिटेट हो चुका है। पिक्रिक एसिड जो होता है हल्का सा येलोइश अपीयरेंस का होता है, तो मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हो एक छोटा सा क्लंप है, और ये रहा हमारा पिक्रिक एसिड। अगर आप अच्छे से देख पाओगे तो यही हमारा पिक्रिक एसिड। चलिए दोस्तों हम इसे प्योरीफाई करना स्टार्ट करते हैं।
प्योरीफाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको इसके अंदर डाल देना है 10 मिलीलीटर वाटर। दोस्तों यहाँ पे मैं ठंडा पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि पिक्रिक एसिड जो कम से कम इसके अंदर सोल्यूबल हो पाए। अब दोस्तों सिंपली करना क्या है, आपको इसे जो है एक फिल्टर पेपर के थ्रू फिल्टर कर लेना है। यहाँ पे मैं ग्रेविटी फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आने वाली वीडियोज़ में दोस्तों हम वैक्यूम फिल्ट्रेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसे फिल्टर कर लिया है, जो छोटा सा टुकड़ा रह गया है उसे मैं तोड़ कर इसके अंदर भी डाल देता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं इस टुकड़े को इसके अंदर डाल देता हूँ, दो टुकड़े हो चुके हैं एक टुकड़े के, तो चलिए दोस्तों सिंपली से फिल्टर हो जाने देते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा पिक्रिक एसिड कैसा दिखता है। गाइस फिल्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देख सकते होगे हमारा पिक्रिक एसिड फिल्टर पेपर के ऊपर, और नीचे जो सोल्यूशन है उसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे रिक्रिस्टलाइजेशन वाले प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हम सिंपली करते क्या है, अपने जो पिक्रिक एसिड हमारा फिल्टर पेपर पे है उसे जो इसके अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं एक स्पैचुला की मदद से। मैं प्लास्टिक स्पैचुला इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि पिक्रिक एसिड जो है मेटल स्पैचुला के साथ बहुत सारे मतलब पिक्रिकेट्स बना सकता है इस वजह से। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसे ट्रांसफर कर लिया है। अब सिंपली दोस्तों इसके अंदर हम मिलाने वाले हैं 40 मिलीलीटर एथेनॉल, एथेनॉल यानी अल्कोहल यानी दारू जो पीने वाला होता है, हालांकि ये लेबोरेटरी ग्रेड का है। इस वाले सॉल्यूशन को दोस्तों आप चाहो तो फेंक सकते हो या फिर आप चाहो तो इसी सॉल्यूशन में डाल सकते हो, मैं कंटामिनेट नहीं करना चाहता इस वजह से मैं इसे साइड में रख देता हूँ, मैं इसे फेंकूंगा भी नहीं, मैं इसे वेस्ट कंटेनर में रख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं सॉल्यूशन के अंदर एक छोटा सा मैग्नेटिक स्टिर बार डाल देता हूँ और इस सॉल्यूशन में जो स्टिर करना स्टार्ट करता हूँ काफ़ी तेज़ी से, और साथ ही साथ दोस्तों मैं सॉल्यूशन को गर्म भी करता रहूँगा ताकि सॉल्यूशन जो है हमारा पिक्रिक एसिड जो है काफ़ी अच्छे से इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए पूरा का पूरा। चलिए दोस्तों मैं इसे पूरा डिजॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। सो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और अल्कोहल डाल दिया था क्योंकि मेरा पिक्रिक एसिड जो है उतने अल्कोहल में पूरा डिजॉल्व नहीं हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते होगे अच्छे से कि हमारा सॉल्यूशन जो है एकदम बढ़िया से यूनिफॉर्म हो चुका है। मैं सिंपली इस लिड को हटा देता हूँ और उसका दोस्तों हम इसके अंदर से जो है इस मैग्नेटिक स्टिर बार को भी बाहर निकालेंगे और उसका दोस्तों हम सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए यहीं पे छोड़ देंगे। चलिए दोस्तों मैं इसे ठंडा होने के लिए यहीं पे छोड़ देता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखेगा। सो गाइस क्रिस्टलाइजेशन के बाद ये रहा हमारा पिक्रिक एसिड। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों आप देख सकते होगे पिक्रिक एसिड के क्रिस्टल्स। चलिए दोस्तों इसका जो मदर लिकर है इसे मैं छोटे से बीकर में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ। और गाइस ये रहा हमारा छोटा सा बीकर, इसके अंदर हम इसके मदर लिकर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप चाहो तो इस मदर लिकर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पिक्रिक एसिड जो है क्रिस्टलाइज करके निकाल सकते हो। हालांकि दोस्तों ये मदर लिकर मेरे किसी और प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा एज अ सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और दोस्तों आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो ये है हमारा पिक्रिक एसिड का क्रिस्टल। गाइस यहाँ पे आप देख सकते होगे काफ़ी नीडल शेप क्रिस्टल्स हैं पिक्रिक एसिड के, तो काफ़ी अच्छे हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो, काफ़ी प्योर फॉर्म में बने हैं। और मैं सच बताऊँ तो इसका मैंने 3 बार ही क्रिस्टलाइजेशन किया है तो ये काफ़ी प्योर बने हैं। चलिए दोस्तों मैं इसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों हम इसे एक पेटल डिश पर रख के सुखा लेंगे। हालांकि दोस्तों अगर आप इसे स्टोर करने वाले हो तो इसे हमेशा जो है गीला करके रखना क्योंकि पिक्रिक एसिड जो होता है एक्सप्लोजिव होता है। चलिए दोस्तों मैं इसे निकाल लेता हूँ, उसके बाद अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैंने एक पेटल डिश में निकाल लिया अपना पिक्रिक एसिड और दोस्तों आप देख सकते होगे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं कैमरा का एक्सपोजर थोड़ा सा सही करूँ तो आप देख सकते होगे काफ़ी येलो कलर के क्रिस्टल्स हैं और नीडल शेप में हैं, और ये थोड़े से सूख रहे हैं तो मुझे इनको भिगोना पड़ेगा पानी से क्योंकि जो ड्राई पिक्रिक एसिड होता है वो एक्सप्लोसिव होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको इसकी एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, इसका मेन यूज़ जो है वो मिलिट्री एक्सप्लोसिव की तरह किया जाता है। हालांकि इसका एक और फॉर्म होता है, इसका सॉल्ट होता है अमोनियम पिक्रेट, वो भी हम जल्द ही बनाएंगे भाई। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक रिंग स्टैंड लगा दिया है, अब सिंपली दोस्तों इसके ऊपर मैं एक एल्युमिनियम फॉइल रखता हूँ और इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर यहाँ पर मैं आप ही के सामने थोड़ा सा पिक्रिक एसिड ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं काफ़ी थोड़ा सा, और इस पिक्रिक एसिड को दोस्तों हम इसके ऊपर रखते हैं और जलाते हैं नीचे से इनडायरेक्ट फ्लेम देके इसे हीट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। गाइस यहाँ पे मेरे पास एक बर्नर आप देख सकते होगे, मैं सिंपली इसे ऐसे तो गाइस आपने देखा कि हमारा पिक्रिक एसिड जो है किस तरह से जल गया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते होगे पूरा क्लीन बर्न किया है और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कार्बन रह गया है रेसिड्यू की तरह, हालांकि दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये मोस्टली तभी रह गया होगा क्योंकि हमारा पिक्रिक एसिड जो है वो पूरा ड्राई नहीं था। मैं इसे फील कर पा रहा हूँ कार्बन को, स्लिपरी है थोड़ा सा। तो गाइस कुछ इस तरह से आप बना सकते हो पिक्रिक एसिड। सो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बना सकते हो पिक्रिक एसिड काफ़ी आसान तरीके से इस प्रोसीजर को फॉलो करके। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली फ्यूचर वीडियोज़ में दोस्तों हम बनाएंगे अमोनियम पिक्रेट जो कि एज एक्सप्लोजिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे आने वाली एक बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।